का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 शुरू हो चुका है। इसमें कई टीवी और पॉपुलर सेलेब्स हिस्सा ले चुके हैं। यह सीजन हर बार की तरह बिल्कुल अलग है। इसी बीच खबर ये भी है कि ये शो बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को ऑफर किया गया था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस को इसके लिए बहुत मोटी रकम भी ऑफर हुई थी, लेकिन एक्ट्रेस ने इस शो के लिए मना किया। आपको बता दें कि बीते दिनों ये चर्चा थी कि रिया चक्रवर्ती को इस शो के लिए 35 लाख रुपये प्रति हफ्ते ऑफर किए गए थे, लेकिन अब आपको बता दें कि रिया को 35 लाख नहीं बल्कि 50 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था। अगर एक्ट्रेस इस ऑफर के लिए हामी भर देती तो करीब 105 हफ्ते वो यहाँ रुकती तो लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करती, लेकिन रिया ने बिग बॉस के इस ऑफर को मना कर दिया और अपने फैंस को निराश कर दिया। जी हाँ, फैंस के लिए बेहद ही बुरी खबर है कि रिया बिग बॉस 15 में नज़र नहीं आ रही हैं। रिया इन दिनों बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म प्रोड्यूसर से बात कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती फिल्म से फिल्मों में काम करने की तैयारी शुरू कर रही हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वो बिग बॉस हाउस में एंट्री नहीं ले रही हैं। बिग बॉस हाउस में नहीं नज़र आ रही हैं रिया चक्रवर्ती। रिया को फिल्मों और वेब सीरीज़ के ऑफ़र भी मिल रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को साइन नहीं किया है। रिया चक्रवर्ती की कुछ दिनों पहले ही चेहरे फिल्म रिलीज़ हुई थी। इसमें इमरान हाशमी, अमिताभ बच्चन भी नज़र आए थे। फिल्म में रिया के अलावा सिद्धांत कपूर, अनु कपूर, गृतिमान चटर्जी और रघुवीर यादव भी थे। ये फिल्म पिछले महीने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो चुकी है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।